लेकिन रोने लगे। ये सर इसी का तस्वीर है, ज्यादा अच्छा नाश्ता। तो आप लोग पूछ लीजिए, बताओ तुम। अच्छा अभी हम ब्रीफ कर लेते, तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, तब ये उनको बता देंगे। लड़का अभी परेशान था इसलिए बोल दे रहा है, इतना बोल दिया। डीएसपी साहब उनको बोले आप कर दीजिए, कहे नहीं आप ही कर दीजिए। जब आप उपलब्ध हैं तो कैसे करें। मुकेश भाई बड़ा लैपटॉप पर एग्जाम पुलिस ऐसा क्यों दुर्व्यवहार कर रहा है सर? कौन मुकेश? तो लैपटॉप में कैसे चला है? तो लेके आओ तो हमारे घरे लेके आओ ना। राजवा घर ही फोन कर दिए भेज दे। Thank you.
मेरी पत्नी का अवैध लड़कों के साथ संबंध था, इसी जुर्म लाए। तो क्या किया उसको? मैंने एक लड़का दोस्त था मेरा उससे मतलब थोड़ा मैंने पहचान था, तो मैंने उससे बोला कि मुझे बहुत टेंशन रह रही मेरी पत्नी से, तो उसने बोला भैया ठीक है आप जैसा बोलिए वैसा कर देंगे हम, तो बोले कि ठीक है भेज दीजिएगा हम कर देंगे। अच्छा तो क्या हुआ? तो फिर मैंने उसको, मेरी पत्नी को ज़मीन लेने का बहुत बड़ा शौक था, तो उसको मैंने बोला कि बाईपास पर एक ज़मीन बिक रहा बहुत सस्ता, जाकर देखना देख लो, जब हमको शादी में जाना। तो बोले कि ठीक है जब हमको पहुँचा दीजिए, या फिर अगर लड़का जानता है हमको तो ठीक है। तो लड़का पहले भी मेरे एक दो बार घर पर आ चुका है, जैसे बेटी का जन्मदिन वगैरह मंगाते थे तो आता था, तो बोला ठीक है पहुँचा दीजिए हम जाके दिखा देंगे। तो उसको हम पहुँचा दिए थे बाईपास के लगभग में, वहाँ के बाद वो लड़का ले जाके अपना, अब क्या किया नहीं किया हमको नहीं पता, लेकिन उसी का किया हुआ है काम। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कोई शिकायत की पत्नी का भैया? नहीं मैंने नहीं की। हाँ सिविल था उनकी। कौन किया? मेरी सास की थी, ससुर के थे, हम थे, आप थे। तो आप तो जानते थे कि हत्या करवा दिया, तो फिर आप शिकायत क्यों करने आए? मेरे सास के कहने पर गए थे, सास के कहने पर गए थे हम लोग। पत्नी का अवैध संबंध था या आपका कहीं और संबंध था जिसका विरोध पत्नी करती थी? नहीं मेरी पत्नी का ही था। आइडेंटिफाई है लड़का? आइडेंटिफाई है। तो आप बोल रहे हैं आपकी बच्ची भी है? बच्ची भी है, 10 साल की बच्ची मेरी। 10 साल की? हाँ। तो उसके उस लड़का का आइडेंटिफाई मेरी बच्ची भी की है, हम भी किए हैं। अच्छा, जो हत्या किया है? जो हत्या किया नहीं, जिस लड़का से संबंध था। अच्छा, ये आपको लगता है सही किया या गलत किया? हम उसको बहुत तरह के समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं समझने के बाद हम ही कदम उठाए हैं। हम उसको बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह से करोगी तो नहीं ज़िंदगी चलेगा, लेकिन नहीं हमें सही रहेंगे। आज पहली बार नहीं, शादी हुआ था उसके 2 महीने बाद भी उसी लड़का से बात की थी, तो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ससुराल पे, तो फिर शांत हो गई थी, फिर पता नहीं कैसे 2 महीना पहले से फिर उससे संपर्क में आई है, उससे लगातार मिलना जुलना भी उससे चालू हो गया था। और इधर हम होता था क्या, मेरा सीजन था, मेरा काम जो चलता है इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसमें सीजन मेरा रहता है अप्रैल से लेकर के लगभग दीपावली तक, तो उस बीच में बिजी ज़्यादा रहते थे, तो कभी कलकत्ता कभी दिल्ली माल लाने जाया करते थे, उस बीच में हमेशा उससे मिलना जुलना रहता था उसका। और इधर 2 महीना से लगातार मेरी बेटी जी से हमको बताई कि पापा दोपहर में 2 घंटा डेली वीडियो कॉलिंग और शाम में डेली आपको आने से पहले वीडियो कॉलिंग चलता था, और आप जैसे आते थे तो वीडियो कॉलिंग बंद और फिर चैटिंग खाली करती थी मम्मी। आइडिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में चल रहा था। दिमाग सनकी होता है एक तरह से, मतलब कि दिमाग फैल जाता है कि चाहे उस लड़का को हटाना चाहे इसको हटाना, तो उस लड़का से हम सक नहीं सकते थे जो लड़का है इस साजिश में शामिल। उस लड़का वो मेरे ससुराल के ठीक बगल का ही है। ससालत का काम हुआ ठीक, खरखुरा तरमाना। ये अप्रैल माह में जो है एक केस हुआ था विष्णुपद थाने में, जिसमें एक महिला की अननोन डेड बॉडी मिली थी। उस समय वो मृतका की पहचान नहीं हो पाई थी। अभी जो है कुछ दिन पूर्व जो है मृतका की पहचान हुई, तो फिर अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतका के संबंध में ही सिविल लाइन्स में भी अप्रैल माह में ही ये केस अंकित किया गया था। सिविल लाइन्स का जो केस था, उस केस के अनुसंधान के क्रम में 2 व्यक्तियों को उस समय गिरफ्तार करके, जिनके पास से मृतका का मोबाइल मिला था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पहचान के बाद जो है अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि मृतका की हत्या मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों को सुपारी देकर कराई गई थी। उसमें से जो पूर्व में 2 व्यक्ति गिरफ्तार होकर गए थे, उसमें से एक व्यक्ति वो है और एक अन्य व्यक्ति जो है अभी फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस तरह से जो सिविल लाइन्स में केस हुआ था 241/19, उसमें जो मृतका थी उसके पति द्वारा षड्यंत्र करके अवैध संबंधों की वजह से जो इन्होंने अपना अपराध भी कन्फेस किया है, और ये बताया कि मृतका का किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था, ये उसको समझाते थे लेकिन नहीं मानी थी, इसलिए बाद में इन्होंने जो है एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत 2 व्यक्तियों को सुपारी देकर मृतका की हत्या करा दी थी। कितने का सुपारी दिया गया था? अभी जो पूछताछ के क्रम में पता चला है कि 25,000 रुपये इनके द्वारा दिए गए थे।